सो गाइस वेलकम बैक। और बेसिकली आज की वीडियो में बात करेंगे रशिया की ओर से जो न्यूज़ आ रहा है उसके बारे में। बिटकॉइन का एक अपडेट हम देखेंगे, साथ में ओवरऑल मार्केट एनालिसिस करेंगे, डोमिनेंस मार्केट कैप, तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात करने को है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। प्लस बिटकॉइन के कुछ लेवल्स हैं जो कि मुझे लगते हैं ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और लॉट मोर टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखो। और गाइस एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में हमारा न्यूज़ चैनल है इसी नाम से जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेनली सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं न्यूज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए जिस वक्त रशिया बैन को लेकर मार्केट में न्यूज़ घुमाया गया तो मैं उस टाइम पे भी कहा था कि भाई बैन आज बोल रहे कर वापिस इसको अनबैन भी करेंगे। और अभी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रहा है कि रशिया गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यहाँ पर एग्री हुए हैं कि बिटकॉइन को ट्रेड किया जाए एज अ करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं समझूंगा एक पर्टिकुलर कंट्री गवर्नमेंट और प्लस सेंट्रल बैंक की ओर से आने के लिए। एक आसान भाषा में अगर कहना चाहूँ तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो आरबीआई वर्क करती है, तो आरबीआई और इंडिया गवर्नमेंट दोनों एग्रीड है क्या एक बिटकॉइन को एज अ करेंसी माना जाए। इसका मतलब यहाँ पर है, मतलब ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये बेसिकली रशिया और वहाँ की यानी जो रशियन गवर्नमेंट है प्लस जो सेंट्रल बैंक है, फाइनली वो एक लेवल पर आ चुकी है कि जहाँ पर वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम बिटकॉइन को ट्रीट करेंगे एज अ करेंसी। अगर बात किया जाए तो अभी तक हम इसको एज एन असेट मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है हमारे कंट्री की ओर से, अभी उसी के ऊपर लॉट मोर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पर वो बेसिकली आई मीन टू से 18 फेब को ये सब चीज़ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत आसानी से मान गई है कि भाई बिटकॉइन को एज अ करेंसी की तरह हम ट्रेड करने वाले हैं। मेनली ये 18 फेब को एक लॉ, एक जो इनका कंसेप्ट है, ड्राफ्ट है, जिसको ड्राफ्ट लॉ कहा गया है, जो कि 18 फेब को लॉन्च करने वाले हैं। ये बेसिकली एनालॉग ऑफ करेंसी माना जाएगा, जहां पर मेनली डिजिटल एसेट नहीं बोलेंगे इसको, वो डिजिटल एसेट की जगह क्या बोलेंगे इसको, क्या हम उसको एज अ करेंसी, एनालॉग ऑफ करेंसी यानी करेंसी का अल्टरनेटिव की तरह उसको यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं समझूंगा रशियन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की ओर से निकल के आ रही है। एक वक्त की बात थी जहां पर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया था कि भाई जो रशियन सेंट्रल बैंक थे उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई क्रिप्टो करेंसी को टोटली बैन कर रहे हैं, राइट, और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल आया था। उसके कुछ दिन के बाद वापस न्यूज़ निकल के आई थी कि नहीं भाई हम उसको बैन नहीं कर रहे, हम उसको रेगुलेशन के ऊपर डिस्कशन हमारा चल रहा है कि हम उसको रेगुलेट करने वाले। और फाइनली यहाँ पर अभी डेट कोर्ट हो चुकी है कि भाई 18 फेब को ये अपना ड्राफ्ट लॉ बोल के यहाँ पर अपना प्रेजेंट करने वाला है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने और भी डिटेल दिए कि भाई रफली $8,000 के करीब अगर जो भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो मेनली रिकॉर्ड करना होगा उनके डेटा के अंदर, अगर नहीं किया जाता है तो बेसिकली इसको क्रिमिनल एक्ट यानी इसके अंडर में जो भी बैंक्स वर्क करेंगे या जो भी एक्सचेंजेस वर्क करेंगे। एक चीज़ तो ये भी है, बैंक्स तो ऑलरेडी अपना वर्क स्टार्ट वहाँ पर कर ही देंगे, लेकिन साथ में जो एक्सचेंजेस है, जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज बोलो या उनके अपने पास के एक्सचेंजेस बोलो, वहाँ पर वो लीगल तरीके से वर्क करेंगे, जहाँ पर वो प्रॉपर KYC होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके वे में वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर वर्क करेंगे। मैं समझता हूँ अभी तक की सबसे अच्छी न्यूज़ ये निकल के आई है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो अभी तक मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा फियर में था, वो अभी न्यूट्रल पे आ चुका है। एक तरीके से मैं इसको न्यूट्रल तो नहीं बोलूँगा, ये एक तरीके से बिल्कुल ग्रेड ही माना जाएगा, लेकिन फिलहाल इंडेक्स के हिसाब से, इस इंडिकेटर के हिसाब से बात किया जाए तो ये फियर से हटकर अभी यहाँ पर न्यूट्रल पे आ चुका है। और मुझे लगता है कि 18 फेब तक ग्रीड पर भी चला जाएगा, क्योंकि जब उसके बाद अनाउंसमेंट होगा तो काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे ना, पिछले एक साल का डेटा, तो अगर आप इस डेटा की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा नज़र आकर आप रखोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मार्केट जब क्रैश हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम मई के अंदर मार्केट ने जो क्रैश किया था, उस टाइम भी जो मार्केट फियर था ऑलमोस्ट 10 वैल्यू तक यहाँ पर पहुँच चुका था। उसके बाद मार्केट ने अब सभी मूवमेंट लिया, यहाँ पर भी मार्केट ने 21 वैल्यू के आसपास उसको टेस्ट किया है, राइट, 13 वैल्यू उसका लास्ट है। और उसके बाद मार्केट सेम जैसे यहाँ से अब जा रहा था, यहाँ से दोबारा मार्केट से ऐसे ही हाई जा रहा है। तो अगर ये इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो मैं एक माइनर करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट हायर जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमको यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिला है। अब बात करते हैं बिटकॉइन प्राइस की कि भाई इसके बाद बिटकॉइन प्राइस में क्या चेंजेस हुए। ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है, मेन तरीके से अगर बात करूँ यहाँ पर
तो लास्ट टाइम का हमारा जो पैटर्न था वो पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल लो वॉल्यूम कैंडल्स मूवमेंट ले रही है अभी तक की। अगर यहाँ पर एक जो मेरे को अजीब चीज़ लगी यहाँ पर, वो ये लगी कि अभी यहाँ पर जो कैंडल बनी है ना, ये इनडिसीजन वाली कैंडल है, लेकिन जो वॉल्यूम है यहाँ पर पिछले कैंडल से भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो एक तरीके से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर शायद बाइंग हुआ है अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम नज़र रखोगे तो यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम के अंदर लगभग 51,000 यहाँ पर वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पर अचानक 64,000 का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट रख सकते हैं कि यस, मार्केट में यहाँ पर बाइंग हुई है और मार्केट में यहाँ पर एक हैवी प्रेशर बना है। लेकिन अभी बात उसी पर आ जाती है कि भाई एग्जैक्टली मार्केट क्या कर सकता है। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर कुछ अगर टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पर हम मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारा लेवल मैं कहूँगा जहाँ पर आप देखेंगे 21 और 50 है, तो जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल को टेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर डेथ क्रॉस नहीं माना जाएगा, राइट है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर डेथ क्रॉस नहीं हुआ है। लेकिन अगर मार्केट इसको रिजेक्शन करता है, लेट्स से एग्जांपल के भाई मार्केट इसको यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन करके डाउन जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर डेथ क्रॉस हो। लेकिन टिल नाउ कोई डेथ क्रॉस नहीं है, एटलीस्ट मार्केट को इस लेयर के अबव जाना चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेंगे यहाँ पर, कौन सी हिस्ट्री के ऊपर, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो जब मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से मूवमेंट ले रहा था 21 मूविंग एवरेज के टाइम पर भी मार्केट ने एक बड़ा रिजेक्शन यहाँ पर किया था शेडो के बेस पर, राइट। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने अपसाइड में क्लोजिंग करके हाई किया और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा हाई किया था। लेकिन अभी यहाँ पर मेन 50 मूविंग एवरेज को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अभी मेन चीज़ यही है कि मार्केट ने एटलीस्ट क्लोजिंग अगर इस वीकली कैंडल ने करना है तो कम से कम 45,000 डॉलर के अबव या उसके आसपास करना चाहिए। वीकली क्लोजिंग की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 4 दिन का टाइम अभी यहाँ पर बाकी है। मार्केट ने जो लेवल को रिस्पेक्ट किया है बेसिकली वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, बहुत स्ट्रांग तरीके से मैं मानूंगा कि मार्केट ने यहाँ पर उसको रिस्पेक्ट किया है, मार्केट यहाँ से हाया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसको भी मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसको मार्केट रिजेक्शन करता है तो फिर मार्केट डाउन जाने का चांस वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और कितना डाउन जाएगा अगर टेक्निकल टर्म के हिसाब से बात करूँ तो ये बहुत सबसे लोएस्ट लेवल यहाँ पर दिख रहा है जो कि पिछला ऑल टाइम प्राइस था। लेकिन एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यही है कि अगर जो 18 फेब को न्यूज़ आने वाला है, अगर वो बहुत अच्छा मूवमेंट इसको मिल जाता है तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है ये जो मूविंग एवरेज है इसके भी अबव जा सकते हैं। तो मैं मानूंगा ये दो रेजिस्टेंट है मूविंग एवरेज के, एक तो 47,000 डॉलर के करीब पर और एक 45,000, तो एटलीस्ट मार्केट को इसके अबव क्लोजिंग होना चाहिए, तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि यस मार्केट अभी यहाँ से हायर जा सकता है। सेकंड, मैं यहाँ पर बात करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस की। बिटकॉइन डोमिनेंस की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस हमेशा हमारे टेक्निकल चार्ट में मेन रोल प्ले करता है। जब बिटकॉइन डाउन में था उस टाइम भी आपको एनालिसिस करके बताया गया था डोमिनेंस के बारे में, और उसके हिसाब से ये मार्केट ने पंप किया। लेकिन अभी यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर वॉल्यूम डोमिनेंस का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देखो हाईएस्ट वॉल्यूम था, लोएस्ट वॉल्यूम गया, फिर से रेड वॉल्यूम हो गया और यहाँ पर फिर से लोएस्ट वॉल्यूम है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाट है मार्केट के अंदर और मार्केट अभी तक यहाँ से हायर नहीं गया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर मेन वही है कि मार्केट को एटलीस्ट यहाँ से हायर जाना चाहिए, जो हमारे लेवल में स्टॉक है वहाँ पर मार्केट ने रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से हायर जाएगा तभी हम एक्सपेक्ट रखेंगे कि यस मार्केट यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस भी हायर जा सकता है। बाकी अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में कोई खास पैटर्न तो नहीं बोलूंगा, एक नॉट परफेक्ट लेकिन एक छोटा मोटा सिमेट्रिकल बनते हुए देखने को मिले। अब देखना यही है, ये सिमेट्रिकल डाउन में ब्रेकडाउन करता है या अपसाइड में ब्रेकआउट करता है, तो तभी हम ये कहेंगे कि यस मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मोमेंट ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे टोटल मार्केट कैप की। टोटल मार्केट कैप की बात इसलिए भी करना है क्योंकि एक तो मार्केट यहाँ पर स्विंग चेंज कर रहे हैं, राइट है। यहाँ पर अगर बात किए तो ये हमारा प्रीवियस स्विंग था, उसके अगर हायर मार्केट जाता है तो स्विंग चेंज होगा वीकली टाइम फ्रेम में। और मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मार्केट एक तरीके से इस वाले रेजिस्टेंट को एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर ये स्विंग चेंज होता है तो ये सपोर्ट कामयाब हो जाएगा, अगर ये स्विंग चेंज नहीं होता है तो लोवेस्ट सपोर्ट अभी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करो अल्टकॉइन की, तो अल्टकॉइन इंडेक्स यहाँ पर अच्छा खासा इस वाले ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है मैं कहूँगा, और ट्रेंड लाइन को सिर्फ होल्ड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक अच्छा खासा हैवी वॉल्यूम कैंडल बना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेरे को समझ में ये नहीं आ रही है कि यहाँ पर कैंडल तो अच्छी खासी हैवी वॉल्यूम में दिख रही है लेकिन वॉल्यूम एक्चुअल नहीं दिख रहा है, तो ये एक डर पैदा हो रहा है मेरे दिल में थोड़ा सा कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम एटलीस्ट पिछले लेवल के अबव इंक्रीज होना चाहिए था।
हम मान सकते थे कि यस मार्केट में अच्छी खासी रियल बाइंग मूवी है। जैसे कि यहाँ पर देखो वॉल्यूम देखो पिछले कैंडल्स के अबव ही था। यहाँ पर जो हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर अनकॉन्शियस लग रहा है ट्रेंड के, भाई यहाँ पर ट्रेंड कुछ थोड़ा सा डगमगाट पर है। एटलीस्ट अगर ये वीक का जो कैंडल है जो इसको 4 दिन बाकी है इस वाले ने पिछले के अबव एटलीस्ट अगर चला जाता है तो हमारे लिए थोड़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर रहेंगी, हम एक राहत यहाँ पर ले सकते हैं कि यस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है और बाकी यहाँ पर कोई खासियत नहीं। मेन यहाँ पर इथेरियम की बात करूँगा मैं, बिकॉज इथेरियम BTC वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है लास्ट वीक। करंट वीक 4 दिन बाकी है लेकिन यहाँ पर अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो एक पैटर्न भी स्ट्रांग है। अगर मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करता है तो मार्केट का यहाँ से हाया जाने का चांसेस बढ़ जाएगा, बट अनटिल नाउ यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, फिर से वॉल्यूम लैक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था राइट है, फिर उसके बाद फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हो। जैसे यहाँ पर भी देखो हैवी कैंडल था वॉल्यूम भी हैवी था, लेकिन यहाँ पर कैंडल हैवी बना है पिछले कैंडल के मुकाबले लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा डकमगाट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा इनडिसीजन मैं मानूंगा कि अभी के वक्त के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा इनडिसीजन हमको देखने को मिल रहा है। और बाकी ये लेवल है मूविंग एवरेज के हिसाब से, इन लेवल पर आप वॉच रखो और मेन चीज़ तो वही है। अब 18 फेब को क्या होगा, मेनली तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 18 फेब को अच्छा खासा मार्केट में वॉलेटाइल हो सकता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है 18 फेब को, क्योंकि ड्राफ्ट लॉ लॉन्च होगा जो कि रशियन गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया की ओर से प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो बहुत पॉजिटिव मैं समझूंगा और धीरे धीरे कंट्रीज इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। मेनली अगर बात किया जाए तो कंट्रीज को आना ही था, क्यों? क्योंकि वो लोगों को नहीं रोक सकती है। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा वे है जहां पर किसी पर्टिकुलर लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो मैं समझूंगा एक स्ट्रांग मूव हमको देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब तक की ये सबसे बेस्ट न्यूज़ मैं मानूंगा, और इसी न्यूज़ को देखते हुए आप ये समझो कि भाई जहां पर लोग मुझको ये पूछ रहे थे कि सर बिटकॉइन को मैं 10 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो ये न्यूज़ मिलने के बाद शायद आपको पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रांग पोटेंशियल दिख रहा है, धीरे धीरे कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही है। तो 10 साल के लिए आप बिल्कुल बिटकॉइन को होल्ड कर सकते हो, बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या राय है इसके वीडियो को लेकर, आपका क्या राय है बेसिकली बिटकॉइन के प्राइस को लेकर, क्या लगता है कि मार्केट न्यू ऑल टाइम है प्राइस बनाएगा या मार्केट यहीं से डाउन में चला जाएगा? कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी राय जरूर दीजिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही गाइस, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना ना भूलो। वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।